हेलो गाइस, शुरू करते हैं आज एक नई रेसिपी। जल्दी जल्दी अगर हमें टिफिन पुलाव बनाना है तो उसके लिए हम पत्ता गोभी का टिफिन पुलाव बना रहे हैं और ये बहुत ही जल्दी किस तरह से बनाना है चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने ये पत्ता गोभी के छोटे छोटे पीसेस ले लिए हैं जिन्हें मैंने बहुत अच्छी तरह से धोया हुआ है और ग्रेटर से इसे आराम से ग्रेट करेंगे। पत्ता गोभी का पीस ना होकर अगर आपको इसका पत्ता मिलता है तो इसको भी दो चार मोड़ देकर ग्रेटर से अच्छी तरह से ग्रेट करेंगे। हम देखेंगे ग्रेट करने के बाद पत्ता गोभी काफ़ी बारीक हो जाता है और इसी तरह का पत्ता गोभी पुलाव बनाने के लिए हमें ग्रेटेड पत्ता गोभी चाहिए। ये बारीक पत्ता गोभी पुलाव में अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लेंगे एक कटोरा बारीक चावल। यहाँ पर मैंने सरबती चावल लिया है, आप कोई भी बारीक पुलाव वाला चावल ले सकते हैं। इस सरबती चावल को मैंने 4-5 घंटे भिगो दिया था, इससे ये काफी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब भिगोने के बाद इसको हम एक दो बार साफ पानी से धो लेंगे। चावल को अच्छी तरह से धोने के बाद इस चावल को हम निथार लेंगे और इसका धोया हुआ जो पानी है उसे फेंक देंगे। पुलाव वाले चावल को मैंने अच्छी तरह से धोकर निथार लिया है। अब एक छोटे से भगोने में हम पानी लेंगे गर्म करने के लिए। यहाँ पर जितना चावल लिया था उसका 3 गुना मैंने यहाँ पानी लिया है और इस पानी में हम आधा चम्मच नमक मिला देंगे। चम्मच से हिला लें। इसके बाद जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें धोए हुए पुलाव वाला चावल डालें और यहाँ पुलाव वाला चावल डाल दिया है यानी अब इसके उबलने का इंतजार करेंगे। जैसे ही चावल का पानी उबलने लग जाए उसके 1-2 मिनट के बाद अब चावल के दाने थोड़ा चम्मच से निकाल कर चेक कर लें। ये बहुत ज़्यादा पका हुआ भी नहीं होना चाहिए और कच्चा भी नहीं। जब आपको लगे चावल थोड़ा टूटने लगा है तो आप तुरंत गैस बंद कर दीजिए। हमें बहुत ज़्यादा पका हुआ चावल नहीं चाहिए। ध्यान रहे इस समय चावल उबालते समय गैस की जो फ्लेम है वो बहुत कम होनी चाहिए। चावल आधा ही पका है और गैस मैंने ऑफ कर दी है। अब इस भगोने में हम ढक्कन लगा देंगे और उसके बाद हम करते हैं पत्ता गोभी के फ्राई करने की तैयार। कढ़ाई के गरम होने पर हम इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे और घी जैसे ही पिघल जाए और हल्का गरम होने पर इसमें हम लगाएंगे 1/2 चम्मच जीरे का तड़का, 1/4 चम्मच काली मिर्च यानी थोड़े दाने मैंने साबुत काली मिर्च के ले लिए हैं। जैसे ही जीरा और काली मिर्च चटकने लग जाए तो 2-3 कलियां लौंग की ले लेंगे। लौंग की तासीर बहुत गर्म होती है। 1/2 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स ले लेंगे और 1 बड़ी इलायची का टुकड़ा ले लेंगे और थोड़ा सा यानी 1/4 चम्मच मैंने हींग भी डाल दी है। पुलाव में ये सभी जो गरम मसाले हैं ये खड़े गरम मसाले हैं। गरम मसाले डालने से पुलाव की जो तासीर होती है वो भी गर्म हो जाती है और वैसे पुलाव की तासीर ठंडी होती है। सभी गरम मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। इसी के साथ हम ग्रेटेड पत्ता गोभी को डाल देंगे और अच्छी तरह से हिला हिला कर इसको 1-2 मिनट पकाएंगे। बहुत ही बारीक पत्ता गोभी है, आराम से ये भुन जाती है। इसको भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और भूनते समय हम देखेंगे ये अपना पानी छोड़ रही है। और इसी के साथ हम मिलाएंगे 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया और यहाँ पर ये मैंने कश्मीरी मिर्च ली है 1/2 चम्मच। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। ये हल्के मसाले डालने के बाद मैं इसे थोड़ा सा सौटे कर लूँगी। गैस की आँच को धीमा ही रखें, ज़्यादा तेज करने पे ये मसाले जल जाएंगे और पत्ता गोभी भी अच्छी तरह से भून नहीं पाएगी। बहुत ज़्यादा पत्ता गोभी को नहीं भूनना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मसाले डालते इसने पानी छोड़ दिया है। टिफिन पुलाव बना रहे हैं, पत्ता गोभी का टिफिन पुलाव जो कि मुंह में आते ही घुल जाए।
इस तरह का टिफिन पुलाव हमें चाहिए। थोड़ी देर पत्ता गोभी को भूनने के बाद हम इसमें मिलाएंगे जो हमने बॉयल चावल तैयार करे थे। ये चावल पूरी तरह से बॉयल नहीं हुए हैं, यानी पूरी तरह से पकाए हुए नहीं हैं। पत्ता गोभी में मिलाने के साथ ही लो फ्लेम पर इस चावल को अब हम पूरा पकाएंगे और थोड़ा सा गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इस पत्ता गोभी और इस चावल को 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। पत्ता गोभी और चावल को मिक्स करने के बाद हम इसको करछी से थोड़ा सा हिला देंगे और आप इसको हल्का सा ढक्कन लगा के भाप देंगे। मैंने पहले नमक नहीं मिलाया था, नमक हम इसमें बाद में ही मिलाएंगे जैसे ही चावल का पानी सूख जाए। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला पत्ता गोभी का पुलाव बनकर तैयार है और घी से बना हुआ, गरम मसालों से बना हुआ ये मुंह में घुलने वाला टिफिन पुलाव तैयार हो गया है। हल्के से ढक्कन लगाकर इसको केवल आधे से 1 मिनट ही भाप देना है। इस पत्ता गोभी टिफिन पुलाव में आपको कहीं पर भी पत्ता गोभी नजर नहीं आएगी, क्योंकि इस समय मैं बना रही हूँ मुंह में घुलने वाला पत्ता गोभी पुलाव जो कि टिफिन पुलाव है। इसे जब आप टिफिन में रखेंगे और चटनी या किसी भी मीठे सॉस के साथ इस पुलाव को खाएंगे तो ये मुंह में आराम से घुल जाएगा और इस तरह का घुलने वाला पुलाव आपको बहुत पसंद आएगा। इस तरह का टिफिन पुलाव आप कहीं पर भी लंच टाइम पर ले जा सकते हैं, बच्चों के लंच में भी इस टिफिन पुलाव को रख सकते हैं। पत्ता गोभी का मुंह में घुलने वाला इस तरह का पुलाव जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।